कुल्हों के दर्द को ना करे नजरअंदाज, अब बढ़ते एवियन का SVF इंजेक्शन से मुमकिन है इलाज। हेलो, मेरा नाम अनुपम है, मैं 35 साल का हूँ और इंदौर का ही रहने वाला हूँ। मैं पिछले 7 से 8 महीने से एवियन से परेशान था काफ़ी टाइम से। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि पैरों में दर्द हुआ, तो मैं नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है और MRI का बोल दिया। देन MRI के बाद क्या हुआ कि जब मैं MRI करवाया तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस सेकेंड स्टेज डायग्नोज हुआ, जिसमें मुझे डॉक्टर ने सर्जरी का कहा कि मुझे इसके लिए हिप बोन ट्रांसप्लांट करवाना होगा। चूँकि मेरी एज अभी 35 है तो मैं उस फेवर में नहीं था कि मुझे इस टाइप की कुछ ऑप्शन पे जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, बट उससे इम्पैक्ट इतना खास नहीं आया। मतलब हल्का सा रिलीफ होता था, फिर जैसे दवाओं का असर ख़त्म होता था फिर वो वापस से स्टार्ट हो जाता था। मेरे एक परिचित है जिन्होंने सहज थेरेपी का एडवर्टाइजमेंट देखा था पेपर में, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं यहाँ पर आकर मिला। मुझे कुछ पेशेंट से बात भी करी मैंने जो मतलब ठीक हो गए हैं या ठीक हो रहे हैं। देन फिर अब मैं प्लान कर रहा हूँ सेल्फ थेरेपी का। कूल्हे की खराबी के खामोश एवं दर्दनाक चरण। अब कूल्हों का दर्द दूर करे मात्र इंजेक्शन द्वारा। मुफ्त डॉक्टर परामर्श के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें